गाइस, दिस इज फिरोज आलम एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सपा में हॉस्टल। तो आज हमारा जूनियर फिरोज, वैसे तो मेरा स्टेप जूनियर है, और आज दिखाने वाला है पूरे हॉस्टल को अच्छे तरीके से और हॉस्टल का पूरा व्यू। तो जैसा कि आज कमेंट बहुत सारी आ रही थी हॉस्टल दिखाने के लिए, हॉस्टल दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो आज फाइनली हम लेकर आ चुके हैं अपना न्यू ब्लॉग और हमारा साथी देगा फिरोज। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं। तो गाइस, इस टाइम पे हम हॉस्टल के टेरेस पे हैं और टेरेस से हम पहले दिखाने वाले हैं पूरा ग्राउंड जो हॉस्टल का है, प्ले ग्राउंड और बाकी बहुत सारी चीजें। तो धीरे धीरे देखते रहिए। ये भी हमारा फ्रंट कैमरे से दिखा फिरोज, पीछे से देखिए। दादा जी, हॉस्टल में हमारी एयर कोई नहीं, वो सामने मैच जो दिखाने वाले यहीं पर कुछ लोग की बाइक। अभी हमारा रूम हुआ करता था, ये बस ये जूनियर हमारा। मैं तो रखी है टाइम पे खाली, और लाइटें भी बंद है, फैन भी ऑफ है, और क्योंकि टाइम का टाइम नहीं है कुछ खाने पीने का। हाँ, शाम का टाइम है, सब बच्चे बाहर ग्राउंड में खेलते हैं। और अभी तो यहाँ बिट्टू या नहीं जाल लगवा दिया है। ये हमारे हॉस्टल का मेन एंट्रेंस, ये देखो मैं इसमें काम करने वाले बच्चे कितनी मेहनत करते। आ गए हम हॉस्टल के बाहर। ये हमारा फ्रेंड और ये अपना हॉस्टल के बाहर का। तो फिरोज, क्या कहना चाहोगे इस बिल्डिंग के बारे में? बिल्डिंग क्या बोलने, देख सकते हैं आप कितनी। तुम्हारा टाइम कैसे कटा है इस बिल्डिंग में? टाइम हमारा बड़ा खराब कट रहा है अभी तक, तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब जेल में बंद है। जेल में बंद है नहीं यार, ज्यादा फ्रीडम तो कहीं नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है, मजा आता है बस। हाँ, कुछ अच्छे नल करे स्मार्ट से, सही लग रहा है। अच्छा आ रहा है। ये देखो हमारे जूनियर घूमते हुए, अब ये बोली बोली के लिए जा रहे हैं। आमिर भाई के फुल मजाक बनाता है फिरोज। हाँ आमिर भाई, आमिर भाई किससे बात कर रहे हैं? मैं यार एक खिलाड़ी बुलाना चाह रहा था यार, मैं क्रिकेट। अरे आजा भाई, आजा क्रिकेट के लिए मेहनत चल रही है। बाकी ये देखो वॉलीबॉल के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे। शुभ भाई थक मत जाइयो। अरे नहीं थकूंगा हैं, कह रहा हूँ फाइनल ईयर में आते आते ना थके, बॉल करा के क्या थकेंगे हैं। वैसे तो स्वेप भाई बहुत ही सीधे बंदे हैं हमारे। दूर खड़े हुए हमारे माध भाई, पता नहीं कुछ समझा रहे हैं शायद। ये करीब साहब इन्हें दिखाएं, भाई ने कुछ जोक जोड़ा था मगर हम ले नहीं सकते इस जोक को। आमिर भाई जी, भाई कुछ तो बता दो अपने बच्चे के लिए। बच्चे सभी बच्चे बड़े हैं, रोज ले रहे हैं। आमिर भाई को 4.5 साल हो गए हॉस्टल के अंदर। जी जी, खाना खाते खाते आमिर भाई मोटे हो गए हॉस्टल का। मोटे तो नेचुरली हम। और ये देखो, ये देखो हमारे जूनियर मुंह दुबका के जा रहे हैं। अबे मान जाओ मान जाओ, कुछ तो विश कर दिया करो। जा रहा हूँ, बिल्कुल मिलेंगे अभी बहुत। तू जा कर रहा है? ये देखो घूमने का इनका टाइम हुआ, ये घूमने निकल रहे। वैसे अभी भी बहुत तेज धूप है और फेफड़े जलने वाली धूप थी आज तो पूरा दिन। बस थोड़ा शांति हुई है धूप को तो कुछ सहूलत है, वैसे अभी भी पसीना बहुत आ रहा है। कुछ तो बता दे। क्या बताऊँ, बाकी लोग दो क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टार्ट होने वाला है। इधर वीडियो शूट करेंगे, ये देखो पांच पांच की टीम चल रहा है कि कोई खेल रहा है या कोई नहीं खेल रहा, पता नहीं क्या मसला है। बहरहाल आगे हम दिखाते रहेंगे अपने ब्लॉग में सबसे फेमस पर्सनैलिटी हमारे सीनियर मिस्टर आमिर। एक बार फिर से आमिर भाई, एक बार फिर से इनकी स्माइल का हम फैन है। थैंक यू भाई, ब्लॉग में रहेंगे। ये हमारे मास भाई हैं, ऐसी कोई बात जो बिल्कुल लखनऊ से भी उधर के है ना मास भाई, आजमगढ़ के। और शर्दी हो गर्मी हो, मास भाई कितने साल हो गए हॉस्टल में तुम्हें? मेरे 4.5 साल हो गए भाई, सेहत देख लो। हॉस्टल के रहने वाले बच्चों की सेहत देखो। और ये हमारे जूनियर है, इनकी सेहत देख लीजिए। इधर वॉलीबॉल चल रहा है हैंड टू हैंड। मैं देखो एक क्रिकेट टीम में शामिल हूँ लेकिन मुझे जन्नत भाई खेलने नहीं दे रहे। नहीं तो इन्हें मैं खेच के लेकर आया हूँ, इसे मैं आज फिरोज को इसे मैंने कहा। और अभी बेटे आज तू मेरे साथ ब्लॉग शूट करेगा। मैं खेलने तो फिलहाल हम जा रहे हैं कैंटीन। अभी अभी एक विकेट गिरा है, बजाने वाला था लेकिन जा ही नहीं दिया। हॉस्टल वाले जो कैंटीन है उस पे जा रहे हैं हम। क्या मस्त हवा चलती है यार, बहुत फर्स्ट क्लास हवा चल रही है, मैं तो बाल उड़ रहा है। बस ये सामने वाली हमारी कैंटीन, इन्होंने भाई साहब मैच का खाना खिला खिला के हमें गाड़ी खरीद लिया है। लेकिन गाड़ी दिखाओ एक बार इनकी। ये है न्यू महिंद्रा बोलेरो, और ये हमारी मेहनत में पूरा साथ देते हैं।
तो आज की लेकिन इनके गैस एजेंसी, गैस एजेंसी में है ना, वो तो गैस से उड़ जाती है। अरे भाई जब भी भैया के पास आओ ये पूछते हैं भैया बताओ क्या खाओगे, जी हमेशा जब बात करते हैं। यहाँ पे जिम स्टार्ट होने वाला है अभी तो, मगर हाँ ये कैंटीन हमारे जिम में चेंज हो रही है। हाँ बहुत मजा आने वाला है। धीरे धीरे और बन रहा है। हाँ फ्रोज पूरा जिम करके दिखा दे तू आज, ये डंबल बस बन गई बॉडी की, तो ये कर पूरी तू जिम ये। हाँ अरे बस 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 तूने कर ली सारी जिम। अरे धीरज भैया पूरी मेहनत करके दिखा रहे हैं जिम में। इनकी बॉडी देख लो और एक महीने बाद बॉडी 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 देख लो, बॉडी का टेको देखो देखो पूरे फॉर्म में है, लेग शेप मारेंगे आज। ये हमारी छुटको वाली कैंटीन जो कभी पहले हुआ करती थी। हैं क्रॉस, तूने कभी अपनी नजर में देखा वाली कैंटीन चालू हुए? ये भाई एक बार शायद हुई थी बीच में फिर बंद हो गई। हाँ तो जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे ना तब वाली कैंटीन चालू थी, मगर खैर कोई नहीं, ये वाली कैंटीन बहुत अच्छी है, चलो दिखाते हैं कैंटीन से। ये देखो तीन टप्पर वाली कैंटीन, बाहर से दिखा देते अंदर क्या ही जाना इसमें ना। ये हॉस्टल में फुल नजर है, तो बोर हो रहा मेरे साथ? अच्छे वाले से पिक्चर करता नहीं चलेगी। कोई नहीं बेटे, सीनियरों का इतना काम करना पड़ता है, आखिर को औलाद हो तुम हमारी। आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि ये रोड के बीच में पेड़, अच्छा ना ये कभी कटा है और नहीं कुछ हुआ, मगर ये सबसे अच्छा पेड़ लगता है। देखो वो गर्ल्स हॉस्टल, उसके पीछे सूरज डूबता हुआ, और ये फिर हम अपने हॉस्टल में आ चुके हैं। ठंडा नहीं आता ये पानी, ठंडा आता है मगर नहीं आता, बच्चे इतना ठंडा पानी पीते हैं कि उसमें गर्म ही कर देते हैं वो पानी, है ना। पानी पी, ये मासूम सा बच्चा थक चुका है और ये पानी पी रहा है गर्म पानी, वैसे खैर कोई नहीं। मौसम बहुत अच्छा है गाइस, बाहर के सारे शॉट कंप्लीट करने के बाद अब फिर आ चुके हैं हम अपने हॉस्टल में, और शायद थोड़ा सा फ्रोज से थक भी गया है और मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा परेशान, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो अब हॉस्टल के अंदर हम रूम दिखाएंगे कौन कैसे रूम में पड़ा होगा, ठीक है चलिए आइए। तोसी हॉस्टल में तैयार व्यार होकर आया, बिल्कुल देखो ना धो के आया, एकदम चमक रहा है तोसी, कैसे आप? वॉलीबॉल खेलने के लिए आज परिवार ये तैयार होता है। वॉलीबॉल खेलने आओ, तुम्हारा रूम दिखाते हैं हम। अरे हम बाहर देख कर आ रहे हैं पूरा, ये देखो भूखे लोग हैं, ये की तलाश में मैच के आगे खड़े हैं समसुद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ये हमारे सीनियर है समसुद्दीन भाई, क्या कहने। वालेकुम अस्सलाम। ये सब लोग देखो 100-100 करोड़ का आ रहे हैं, कुछ खाया था दिन में? नहीं यार, ये देखो इनके हालात बता रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया, तभी मैच के आगे खड़े हो हैं खाने की तलाश में। समसुद्दीन भाई हैंग हो गए क्या, ज्यादा पड़ पड़ गए हैं? वैसे 8 बजे मिलेगा खाना। हॉस्टल का एक यही बेनिफिट है, बस टाइम से खाओ टाइम से पियो। मशक्कत करने के बाद अब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, और फिर से हमें दिन में यहाँ पे लाइट देखने नहीं मिलेगी, आप अंधेरा देख सकते हो कितना भयंकर वाला अंधेरा हो गया था। खैर कोई नहीं, हाँ फाइनली हम आ चुके हैं, देखने वाले थे मगर ये बंदा तो ताला लगा के चला गया, कैसे करें आप? नहीं हम खाली महाबली नहीं है जो उसे तोड़ेंगे, ऑप्शन है कि हम दीपक के रूम में जाने वाले हैं। अभी देखो हमें दीपक के रूम में ले जा रहा है दीपक, पता नहीं कौन जूनियर है हमारा, है कौन से बैच का? 20 बैच का जूनियर, उसका रूम ये दिखाने वाला, इनका क्लासमेट। ओ सॉरी, ये देखो ये दीपक का गेट नॉक करना,
फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। हो दीपक रूम बुलाया दीपक अच्छा रूम नंबर 113 ये दीपक के रूम पे ले गया। ये दीपक दीपक क्या कर रहा था? अरे वाह क्या कहने, ये होती है असलियत मेहनत है आयुर्वेद वाली भाई। टॉप मारने का इरादा इतना तो कभी हम ना पड़े जी, ये तो खेलने का टाइम है भाई, खेलना चाहिए था। खैर कोई नहीं खैर कोई नहीं, कूलर के फुल मजे ले रहा, बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है फर्स्ट क्लास। बाकी दिखाने तो दे भाई, हमें से डिस्टर्ब कर दिया, नमकीन रखे। हाँ भाई ये देखो खाने का खद्दू है, खा ले भाई तुझे भूख लग रही है आज। ये देखो आज दिखा लिया, ये क्या चीज़ बनाई है? पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांच कर्मेंद्रियां होती हैं। अच्छा 20 गुण होते हैं जिनको गुणवादी गुण कहते हैं। अच्छा, ये देखो रूम से कोई भी कागज बिना पूछे ना उठाएं, ऊपर रखा हुआ है पूरे नियम कायदे कानून भाई देख रखे हैं, वरना अपनी बेइज्जती के साथ जिम्मेदार होंगे। चलो हम तो बगैर पूछे वैसे इसके रूम में आ गए, खैर हमारी बेइज्जती क्या है। और इसकी ये फर्स्ट क्लास पिंक कलर की साइकिल, इसने पूरे रूम को एकदम खचाखच भर रखा है चीजों से, है ना। इधर ये देखो, अरे शिव जी का डमरू भी रखा हुआ है इसका, शिव जी का डमरू रखा है इसके पास। ये बजाने की फ्रिक्वेंसी, ये है 14 सूत्र निकालेगा। ये मेरा रूम था कभी पहले, ये मेरा रूममेट देखो कैसे सो रहा। ओए ओए देख, ये इसको सो के इसने पेट निकाल लिया अपना। तो भैया मैं अपनी यादें सब छोड़ गया था, ये मेरा कूलर हुआ करता है। बाकी ये देखो मेरा रूममेट, ये देखो गाइस, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये वैसे अभी 2 दिन पहले शिफ्ट हुए हैं ये लोग। ये देखो ये मेहनत करा रहा है, पता नहीं क्या, अभी सो के उठा। ए